शिक्षा व खेलों का संबंध है। तुम्हारे चंबा के उपप्रतिष्ठानों ने देश व प्रदेश स्तर पर जिला का नाम रोशन किया है, जो कि भविष्य के लिए शुभ संकेत है। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज का युग महिलाओं का युग है और देश की महिलाओं शिक्षा ही नहीं बल्कि खेल कूद में भी अपना वर्चस्व कायम कर रही हैं। खास तौर पे पीवी सिंधु, हिमा दास, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा और हमारे हिमाचल से कविता ठाकुर, प्रियंका नेगी, रितु नेगी और चंबा के मसरूण से सीमा ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम रोशन किया है। चंबा की सीमा ने एथलेटिक्स में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल और कॉमनवेल्थ गेमों में भी भाग लिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारी सरकार बेटियों की शिक्षा ही नहीं बल्कि उनकी खेलों पर भी बहुत ध्यान दे रही है। मैं आप सभी अध्यापकों से भी अनुरोध करता हूं कि लड़कियों की शिक्षा के साथ साथ इनको खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। मैं एक बात आप सभी खिलाड़ी छात्राओं से करना चाहूँगा कि आप अच्छे खेल के साथ साथ स्पोर्ट्समैनशिप का भी विशेष ध्यान रखें और खेल को खेल की भावना से खेलें और इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करके अपना स्थान राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक सुनिश्चित करें। चुनेट स्कूल के लिए 30 लाख रुपया, गर्ल्स स्कूल के लिए 29 लाख रुपया, सास स्कूल के लिए 29 लाख रुपया और सरोज स्कूल के लिए 3,42,00,000 रुपया, हाई स्कूल ओड़ा के लिए 28,11,000 रुपया। ये टोटल कोई तकरीबन 8 करोड़ रुपये जो माननीय मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए दिया। मैं इनके लिए माननीय मुख्यमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।